टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ काशिक कुमार। रिसाइड टुडे हमेशा से ये कोशिश करता है कि हम हर उस मुद्दे पर बात करें या हर उस चीज़ को जानने की कोशिश करें जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आप जो मालेगांव शहर की पॉलिसी से जुड़ी हुई है। इसलिए आज हम डॉक्टर खालिद परवेज साहब से मुलाकात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मालेगांव कॉरपोरेशन का निज़ाम क्या चल रहा है और ये क्या कुछ कर रहे हैं और आगे का इनका लाए अमल क्या है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। एक सवाल से आपका शुरुआत करूँगा कि कॉरपोरेशन का जो लास्ट इलेक्शन हुआ है, वो लास्ट इलेक्शन से अभी आने वाले साल में शायद इलेक्शन रहने वाला है, ये पूरे 5 सालों में कॉरपोरेशन में आप ओहदे पर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, आपका गट नेता भी हैं अभी आप, और हर मुद्दे पर जब भी कॉरपोरेशन, ऐसा देखने में आता है कि जब भी कोई कॉरपोरेशन कुछ काम करने जाती है तो एक आवाज़ उठती है डॉक्टर खालिद परवेज साहब की जानिब से कि ये काम नहीं होना चाहिए, फला काम ऐसे इसी तरीके से होना चाहिए। तो आप हर काम में रुकावट बन रहे हैं कि क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है असल में। देखो, काम करना काशिक भाई गलत बात नहीं जी, काम के तरीके कार को सही होना चाहिए। अच्छा, और मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज जो बरसरे इक्तदार है वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो काम कर रहे उनका वो तरीका कार नहायत गलत है। काम होना चाहिए, काम होने के फेवर में हम भी। अब आपने ये सवाल किया कि हर तरीके के मामला उठते हैं और मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। मैं कोई पागल और दीवाना तो नहीं है कि होने काम अगर शहर की भलाई के लिए है और मैं उसकी मुखालफत करूँ और इस पर शहर मुझे माफ़ कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कॉरपोरेशन में पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि जब से सेकेंड टर्म की मेयरशिप शुरू हुई है, तायरा मैडम मेयर बने, जब से कांग्रेस का कॉरपोरेशन का जो है बाबा आदम ही निराला हो गए। काम और ठेका ये सब चीज़ एकदम प्रोफेशनल हो गए। अभी आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ में मुखालफत, जैसे मैं एक तो मिसाल, और भी लोग हैं ना, वो उनकी आवाज़ें नहीं दिखती है, डॉक्टर खालिद परवेज साहब की आवाज़ की। देखो, मैं यहाँ तो सबकी बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपका सवाल मुझसे है, मैं मेरी बात क्लियर कर सकता हूँ, मैं मेरा पक्ष रख सकता, मैं सबकी तो यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा, या मैं पूरे अपोजिशन का तर्जुमान तो नहीं हूँ। जो मेरी बात होगी, जो मेरे ताल्लुक से बात होगी, मैं उसका जवाब दूँ और मैं उसको आपको जवाब देता हूँ। आपका बोलना ये है कि मैं हर मामलात में जो है अपोजिशन क्यों करता हूँ। देखिए, अपोजिशन का काम ही ये होता है कि बरसरे इक्तदार की जानिब से जो काम किया जा रहा है, अपोजिशन उसकी निगरान होती है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं इससे पहले भी कहा कि काम की मेरी मुखालफत नहीं है, काम के तरीके कार की मुखालफत है। अभी बायो माइनिंग का आपने सुना होगा, वहाँ पर हमारी भरपूर मुखालफत रही। बायो माइनिंग के लिए मैं खुद जो है हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था कि ये कचरा डिपो उठना चाहिए, क्योंकि NGT ने ऑर्डर किया है, ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। और NGT ने अप्रैल 2020 की डेडलाइन भी रखी थी कि इससे पहले कचरा उठ जाए, ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये उठ जाना चाहिए, वरना हर महीना 7 से 8 लाख रुपया कॉरपोरेशन को फाइन लगेगा। हमारी भी नीयत ये है कि उठना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि जब प्रशासन की तरफ से ये प्रस्ताव जनरल बोर्ड में आया तो मेयर ने उसको तहकूब कर दिया। मेरी PIL दाखिल करने के बाद ये विषय गरमाया। मेरा बोलने का मतलब ये था कि कचरा जो हमारा वहाँ बरसों से जमा है, जिससे उठने वाले ताफून से बीमारियाँ हो रही है, आसपास की बस्तियाँ मुतासिर हो रही है, तो इसलिए उसे उठाना ज़रूरी है, तो उसको उठाया जाए। और एक कंपनी जो पीछे वहाँ पर काम कर रही थी वो 19% आज के रेट से बिलो काम कर रही थी, तुमने टेंडर मंगाया और 14% बिलो उसको दे रहे, और प्लस उसको जो है मोबिलाइजेशन एडवांस दे रहे, यानी काम करने से पहले उसको 20% एडवांस देने की बात यहाँ पर की गई। ये सब तरीका कार जो था, जो ठेके के ज़रिए माल प्रैक्टिस बरसरे इक्तदार कर रहा है, हमारी ये मुखालफत है, हमारी काम की मुखालफत
मुखालफत नहीं है। हम कभी नहीं बोलते कि वहाँ का जो है डंपिंग ग्राउंड ख़त्म नहीं होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आवामी ख़जाने का जो बेदरग इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी 19% बिलों में काम कर रहा है, वही आदमी जिसकी वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, पूरा प्लांट लगा हुआ है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है और वो काम कर रहा है, और तुम ऐसे किस्म का टेंडर निकालते हो कि जो तुम्हारा 1,00,000 क्यूबिक टन उठा रहा है और वही अगले टेंडर के लिए क्वालिफाई नहीं होता। एक आदमी वहाँ पर काम कर रहा है और जब उसी काम की नौइयत का दूसरा टेंडर निकलता है तो उसकी अटी शर्ती टर्म कंडीशन शरायत ऐसी रहती है कि पहला काम करने वाला क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। कितनी अजीब और हैरत की बात है कि एक आदमी से हम वही काम करा रहे हैं और दूसरे टेंडर में वही नेचर का काम है, सेम वही काम है, और वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और दूसरा टेंडरर आता है, एक 19% बिलों में काम कर रहा है, हम उसको 14% बिलों में कर देते हैं, यानी 5% ऑलरेडी जो कम कीमत में कर रहा है हम उसको घटाकर 5% और बढ़ाकर उसको दे रहे हैं। ये सब मामला है, ये आवामी खजाने का लूटमार है। हमारी मुखालफत इस बात की थी। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बोला कि जहाँ पे तरीका कार में गलत हो तो वहाँ पे आप मुखालफत करते हैं, लेकिन जैसे अभी हालिया दिनों में, पिछले दिनों में आपने अली अकबर दवाखाने का में जो वहाँ पे होने वाला है, यानी उसको तोड़ के शायद वापस से बनेगा, तो उसकी भी मुखालफत, वो तो अच्छा होगा ना, जो जो पुरानी इमारत है वो तोड़ के नहीं हो जाएगी तो और अच्छा होगा आवाम के लिए, शहर के लिए। देखिए, बिल्कुल यही सच बात है, ये एक टेक्निकल बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें हो क्या रहा। अच्छा, एक है हमारे पास 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का पैसा है जिसको सिर्फ घन कचरा व्यवस्थापन पर खर्चा किया जा सकता है। क्लॉज 63 के हिसाब से उसे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ पर खर्चा किया जा सकता है, यानी आरोग्य सुविधा के लिए वो पैसा खर्चा किया जा सकता है। अभी ये टेक्निकल बात है कि उसमें हॉस्पिटल बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन चलो हॉस्पिटल बनना एक अच्छा काम है, हमारी हॉस्पिटल बनने को मुखालफत नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, काम को मुखालफत नहीं रहती है, काम करने के तरीके कार को मुखालफत रहती है। अब मेरा बोलना ये है कि जो आर्टिकल 63 से हम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं उस पैसों से, आज हमारे पास NUHM से नांदेड़ी हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में हमारे पास एक हॉस्पिटल रेडी है, वो नियर अबाउट 50 बेड का है, 50 बेड का है। हमारे पास अभी मदनी नगर 198 में NUHM के फंड से एक हॉस्पिटल रेडी है, वो ऑलमोस्ट 50 बेड का है। उसके बाद हमारा सर्वे नंबर 94 जाफर नगर में एक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है, वो भी कमोबेश 50 बेड का है। और इसी के साथ हमारा HSDP में भी हॉस्पिटल की जगह मुख्तस है और ठेकेदार को वो बना कर देना है, वहाँ पर भी हमारे लिए कम से कम 200 बेड का एक हॉस्पिटल के लिए हमारे पास जगह है और वो अभी ठेकेदार को बना कर देना है। दयाने में हमारा एक हॉस्पिटल का अभी टेंडर निकल चुका है, यानी आज ऑलमोस्ट हमारे पास 5 हॉस्पिटल्स रेडी पोजीशन में आ जाएंगे एक साल भर के अंदर। हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, वो रेडी पोजीशन में आ जाएंगे और कम से कम 3 हमारे पास रेडी है। आज हमारे पास जब ये मौका है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं वहाँ पर, या वहाँ पर हम जदीद आलात से उन्हें लेस कर सकते हैं, तो पहले ज़रूरत ये है कि जो बिल्डिंग हमारी रेडी हो चुकी है वहाँ पर हम वहाँ को उसको जदीद आलात से लेस करेंगे, हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बनाते जाए। हमारा बोलना सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास स्टाफ नहीं है। अभी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास 28 लोगों की भर्ती आई थी, 14 ही लोग आए हमारे पास। अब 14 लोग आए कौन? नीचे के ड्राइवर आया, हाँ मैं तुमको बोल लूँ मेल वार्ड बॉय आया, मेल फीमेल नर्स आई, लेकिन कौन नहीं आया? डॉक्टर नहीं आए। और कौन नहीं आया? डॉक्टर्स में कौन नहीं आया? MD डॉक्टर नहीं आए, MS डॉक्टर नहीं आए, एनेस्थेटिस्ट नहीं आया, पेडियाट्रिक नहीं आया, गायनाकोलॉजिस्ट नहीं आया। 14 सीट आई, उसमें 2 MBBS डॉक्टर आए थे, परमानेंट जॉब थी, वो 2 भी रिज़ाइन कर चले गए। अब क्या बताओ, हॉस्पिटल ड्राइवर चलाएंगा या तुम बताओ वार्ड बॉय चलाएंगा? जो हॉस्पिटल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर्स, हमें ये करना चाहिए कि डॉक्टर्स की भर्ती पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी एक काम अभी क्या हुआ, कॉरपोरेशन ने जो है नए आकृति बन से रोस्टर सिस्टम से 58 पोस्ट
बढ़ाकर लाई। 58 पोस्ट में आज भी हमारे पास, पहले ही 28 पोस्ट में डॉक्टर नहीं आए थे, 58 पोस्ट में अभी और डॉक्टर नहीं आने वाले हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स चलाएंगे, जो लोग हॉस्पिटल ऑपरेट करने वाले हैं, जो हॉस्पिटल की बुनियाद रहने वाले हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है। और तुम हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बना देने का, तो साफ इसमें तुम्हारी नियत बिल्डिंग है। हाँ, उनमें सारे साजो सामान है जो तिब्बी इमराज के लिए लगने, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए कि आज हमको आसानी से ओटी से ये सिटी स्कैन का टेक्नीशियन मिल जा रहा, ठीक है, हम सिटी स्कैन ला सकते, हमारे पास सोनोग्राफी के लिए वो मिल जाएगा, सोनोग्राफी हम ला सकते, एक्सरे की मशीन ले वो है, आज वो ला सकते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग ठेकेदारी, सिर्फ बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने का, ठेकेदारी करने का, 10% ठेकेदार से ले लेने का, आनंद कॉन्स्ट्रोबल हो या और एक्स वाई जेड हो, कोई भी कंपनी हो, 10% उससे ले लेने का। देखो, आगरा रोड बनाने वाली कंपनी 10%, अब वो जाफरनगर हॉस्पिटल बनाने वाली कंपनी 10%, अब वो दूसरे दीगर काम करने वाली जो कंपनी है वो 10%, अब वो ये सब जो काम चल रहा है ये पूरी ठेकेदारी है, ये माल प्रैक्टिस है। 10% जो आप बहुत जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आगरा रोड मेरा प्रूफ है, आप उठा कर देख लो। अभी मेरा ये है कि हमारा जो जाफरनगर का हॉस्पिटल है वहाँ कंपटीशन नहीं हुआ, टेंडर प्रोसीजर में कंपटीशन नहीं हुआ, 10% अबो दिया गया। अभी दयाना का हॉस्पिटल वही एस्टिमेट रेट से कंपटीशन हुआ, 5% बिलो में, कम में ठेकेदार काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ठेकेदारी का खेल है, ये जो है ना शहर की तरक्की का नहीं है, शहर को कोई सुविधा या कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराने का वो नहीं है, सिर्फ ठेकेदारी माल कमाने का पूरा खेल है। और हम इसी के खिलाफ है, हम इसी के खिलाफ है कि जो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, हकीकी मानों में जो ज़रूरत है, आप उसको पूरा कीजिए। आप यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ये मत कीजिए। आज हमें बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, अच्छी मेडिकल यानी क्या बोलना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ज़रूरत है, ना कि आज अच्छी बिल्डिंग बना देना हमारा मकसद है। और बिल्डिंगें तो है भी ऑलरेडी, और ऑलरेडी बिल्डिंग्स इतनी है, आज हम अगर सही ढंग से उसको मैनेज करें, ये सही ढंग से मैनेजमेंट करें, तो आज हमारे पास 250 से 300 हॉस्पिटल्स के बेड अवेलेबल है, जहाँ पर हम साजो सामान पूरा सकते हैं, डॉक्टर्स पूरा सकते हैं। और अब आप अभी बोल रहे हैं कि 200 बेड्स का ये कौन चलाएंगे, ये कौन ऑपरेट करने वाला है। अभी आपके पास 28 हाईकोर्ट के ऑर्डर पर पोस्ट आई, और अभी आपने आपके रोस्टर सिस्टम के हिसाब से जो आकृति बंद होता है, आपका जो जदूल होता है, टेबल होता है, कि आपको मेडिकल फैसिलिटी पर कितनी ज़रूरत थी, तो उसके एतबार से, जबकि अभी उसमें चेंज नहीं हुआ, उसी के एतबार से आपको 58 और भरना है। अब मुझे बताओ, 58 में कम से कम 22 से 23 का स्टाफ डॉक्टर्स का है जो आने वाले नहीं है, 5 से 6 जो है वो ड्राइवर्स का है, जिनका मेडिकल फैसिलिटी से कोई लेना देना नहीं। अब बचे हुए लोग क्या ये 400-500 का मेडिकल ये हॉस्पिटल्स चला सकते हैं क्या? हमें आज जो बिल्डिंग्स अवेलेबल है उस पर अच्छी फैसिलिटी देना, ये हमारी बोलना है। इसको सही एंगल से देखना चाहिए, इसको ट्विस्ट कर रहा है, इसको बरसरे इक्तदार ट्विस्ट करने जा रहा है कि हम तो हॉस्पिटल बना रहे हैं और हॉस्पिटल की मुखालफत हो रही है, ये गलत एंगल से बात दिखाई जा रही है। हम बोल रहे हैं कि सर्विस दो, हमें आज बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है, आज हमें सर्विस की ज़रूरत है। आज भी हमारे यहाँ रात में सीजर नहीं होते, आज भी हमारे यहाँ डायरिया डिसेंट्री के अलावा कोई चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, आज भी बच्चों का पेडियाट्रिक के कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी बात आती है, कोई भी बीमारी आती है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता, आज भी हमारे यहाँ गायनिक औरतों के अमराज का इलाज नहीं होता। हमारा बोलना है कि ये सब चीज़ आप प्रोवाइड करो, ये सब चीज़ दो, ये ज़रूरतें पूरी करो, ना कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाना, ठेके के नाम पर अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना कर देना, असल लड़ाई हमारी है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, और एक सवाल और है जो मीडिया में गर्दिश कर रहा है कि आपने इसलिए वहाँ पर रोक लगाई कि वहाँ अली अकबर दवा खाने के आगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाले थे, तो उससे तो अर्निंग कॉरपोरेशन को ही होगी अगर बनता है तो उस पर भी आपको एतराज़ है? देखो, मेरा बोलना ये है कि आज अली अकबर हॉस्पिटल हमारे गुरुवार वार्ड के अतराफ की बहुत बड़ी बस्ती को
तिब्बी सहूलत की बस्ती को पूरी तिब्बी सहूलत कवर कर रहे हैं, आज बहुत बड़ी बस्ती को कर रहे हैं। आज ये इलाका जो है मज़दूर तबका इस इलाके में 90% बसता है, और जो भी जितना भी तिब्बी सहूलत मिल जा रही है अली अकबर हॉस्पिटल से मिल जा रही है। आज रात बेरात ऐसा वक्त होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे है कि लूम वर्कर रहते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं या किसी दूसरे काम में रात में ड्यूटी रहती ले, और रात में औरतों को जचकी के मसाइल दरपेश आते हैं। तो हमारी अकेली खातून, चाहे वो उस बच्ची की माँ हो, सास हो, भाभी हो, जेठानी हो, देवरानी हो, वो फौरन लेकर उसे अली अकबर पहुँच जाती है और वहाँ पर उसका इलाज व मालजा हो जाता है बिगर खौफ व ख़तर। आज अगर ये हॉस्पिटल तोड़ देते हैं, माजी में रिवायत रही है इन लोगों की कि ये लोग काम तो शुरू कर देते हैं बरसरे इक्तदार आज का, लेकिन काम जल्दी मुकम्मल नहीं करते। जैसे जैसे ठेकेदार से इनका टप्पा आता है वैसे वैसे उनका काम शुरू रहता है। अगर इन हालात में अली अकबर हॉस्पिटल तोड़ दिया जाता है और हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलत जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये पूरा इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। और रही दूसरी बात, आपने शॉपिंग सेंटर की कही, तो शॉपिंग सेंटर वहाँ बन रहा है, ये शक क्यों ना किया जाए? क्यों नहीं हम ये उन पर इल्ज़ाम लगाए कि वहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनाने की आपकी नीयत है? माजी में जनरल बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो नईम पटेल की यादी पर वहाँ पर गाले रखने की तजवीज़ इनकी मंजूर होने वाली थी कि वहाँ अतराफ में कलेक्शन भी हो गया था कि फला दो गाले तेरे रहेंगे, दो जो है वो लोखंडी कैबिन तेरी रहेगी, ये तो मंजूर कर लिए थे। आपने देखा होगा कि जनरल बोर्ड में हमारा कितनी उस बात पर जो है लेदे हुई थी, कितना तमाशा हुआ था, कहीं जाकर फिर वो विषय फाइल किया गया था। कमिश्नर साहब की तरफ से भी उस वक्त ये जवाब दिया गया था कि हम डायरेक्ट तौर से किसी भी तरीके की गाला या कैबिन नहीं बना सकते। तो आज जब ये किसी को बताए बगैर काम शुरू कर रहे, तो एक शक और एक सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा कि वहाँ गाले बनने वाले? अभी जब तक के शासन के प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की कोई मालूमात नहीं दी जाती है कि वहाँ पर क्या बनने वाला है और किस तरीके का बनने वाला है, हम अली अकबर को इनको हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और जहाँ तक के अर्निंग की बात है, तो जहाँ जो पर्पज़ के लिए रिजर्वेशन है आप वो दो ना। आपकी तो आदत है कि कोई अच्छी सहूलत चालू है लेकिन वहाँ पर आपको गाले बनाने की नीयत रहती। अभी आपने इसका सबूत दिए कि वाडिया दवा खाने के पीछे जो नीमा सेंटर है उसको तोड़कर अभी दो गाले, अभी नीमा भवन के पास अभी दो गाले उन्होंने अभी बनाकर दिए। पिछले स्टैंडिंग कमेटी में, दो तीन पहले की स्टैंडिंग कमेटी में वो विषय मंजूर करे, वहाँ पर गाले दिए। जगह हॉस्पिटल की वो वहाँ पर आज उसको मेडिकल उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, तो वहाँ पे कमर्शियल गाले बना कर दे दिए। ये आपकी माजी की रिवायत रही है, तो हमारा शक है कि आज आप हॉस्पिटल्स की जगह तोड़कर गाले बनाने वाले। अभी आपने धीरे से बोला है कि अली हम वाडिया हॉस्पिटल के साथ साथ जो आज की एग्जिस्टिंग जो हमारी कॉरपोरेशन की सामने वाली इमारत है वो गली मिलाकर एक शॉपिंग सेंटर भी बनाने वाले, तो अभी हमें प्लान ही नहीं मालूम है कि आप कहाँ शॉपिंग सेंटर और कहाँ हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी नीयत पर हमको शक है, तुम हॉस्पिटल तोड़कर शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हो। अर्निंग की बात है तो वो अर्निंग आज बहुत सारी जगह है, वहाँ बनाना चाहिए, लेकिन जो सहूलत जिस चीज़ की है वो सहूलत उस जिस नाम से जो जगह है वो सहूलत वहाँ पर देनी चाहिए। अच्छा, आपने एक बात और कही कि इमारतें बना दी जाती हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं होता या उसमें सहूलतें नहीं दी जाती हैं, ऐसा कोई सबूत है आपके पास में? मैं तो बारह बोल रहा हूँ ना, 5 साल का अरसा हो गया नांदेड़ी के प्रेमाइसिस में, नांदेड़ी स्कूल के अहाते में वहाँ पर हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन 5 सालों में वहाँ वो जुगाड़ का अड्डा बन गया है, जुआरी और दीगर वहाँ पर बुराइयाँ होने लगी है, उसका इस्तेमाल आज एक हॉस्पिटल का इस्तेमाल वहाँ पर दुनिया की तमाम बुराइयों के लिए हो रहा है। यही हाल मैं तुमको बोल रहा हूँ, 198 में मदनी नगर में हॉस्पिटल बनकर तकरीबन 2 साल हो गए, तैयार हो गए, लेकिन वहाँ पर आज सिर्फ पोलियो डोज पिलाने का काम चल रहा है। मुकुंदवाड़ी का इतना बड़ा मार्केट जो हमारे आज़ाद नगर में मुकुंदवाड़ी है, इतना बड़ा मार्केट आज 20 यानी 15 से 20 साल होने आ रहा है वो मार्केट का,
अब कुछ दिनों में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना पड़ेगा, उसकी इमारतें कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन वो जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चालू नहीं हुआ। यू जाफरनगर का यूपी का यूपी जो शॉपिंग मार्केट है वो चालू नहीं किया गया। तुमको बोलूँ आज तक जो है अपने सोएगांव का मार्केट जो है सोमवार बाज़ार वो चालू नहीं किया। उर्दू घर का क्या हाल है? आप देख रहे होंगे कि इनका काम सिर्फ बिल्डिंग बनाकर ठेकेदारी करने में इंटरेस्ट है, वहाँ पर सहूलतें देना यानी इनके बस की बात ही नहीं है। शेख आसिफ के फंड से कई स्टडी सेंटर बनाए गए, तकरीबन मैं समझता हूँ 7 से 8 स्टडी सेंटर हमने सुने। बता दो आज भी एक भी स्टडी सेंटर इस्तेमाल के लायक है? वो फलाए उम्मत जो है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, वो एक जगह की वो हिफाजत कर रहा है, बाकी कोई ऐसा स्टडी सेंटर के नाम पर बनने वाला स्टडी सेंटर आज भी कंटिन्यू है क्या? नहीं, खैर वो तो एमएलएशिप के दौर की बात है, मैं कॉरपोरेशन के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। तो अब बताया ना मैं कॉरपोरेशन, बाकी इमलाक कॉरपोरेशन की ही है ना। तो अब इसमें एक मुद्दा और था कि कॉरपोरेशन में भर्ती का नौजवानों को लेके, तो वहाँ पर मुसलमानों की या मालेगांव के मुस्लिम नौजवानों की भर्ती नहीं होती ऐसा देखने में आया है, या वहाँ पे बहुत कम तादाद है मुसलमानों की अपने नौजवानों की, इसकी क्या वजह है और ये किस तरीके से ख़त्म हो सकता है? देखो मैं यही बात बोल रहा हूँ बार बार कि राजकारण के नाम पर, सियासत चमकाने के नाम पर, सियासी दुकान अपनी बढ़ाने के नाम पर ये सब काम करते। ये रिजर्व मुस्लिम रिजर्वेशन 5% मिलना चाहिए तालीम में और रोज़गार में, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को बताने के लिए ये जो है मालेगांव से बॉम्बे पैदल गए और वही छाले बता बता कर असेंबली इलेक्शन लड़ा और जीता भी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतने ईमानदार रहते मुसलमान नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए, तालीम दिलाने के लिए, तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि कॉरपोरेशन में जो 52 टीचर्स, उर्दू 52 टीचर्स का मसला है, वो आज तक उन्होंने वो मसले को हल नहीं किया। ये खुद भी आमदार रहे, इनके वालिद मेयर रहे, इनकी वालिदा मेयर रही, लेकिन वो 52 टीचर्स का मसला हल नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि मानधन पर किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं रहता, सब जनरल पोस्ट रहती, लेकिन आप देख लो कि वहाँ पर मुस्लिम बच्चे जो तालीम याफ्ता है, इंजीनियर्स है और तुमको बोलूँ 10वीं पास बच्चे हैं, लेकिन आप उनका रेशो उठा कर देख लो, इनकी डिमांड के 50% भी नहीं है, जो इन्होंने 5% की डिमांड करे वो भी नहीं है। और प्लस अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीछे हाईकोर्ट के ऑर्डर पर दवाखानों के लिए भर्ती हुई, जो इससे पहले हमारा चर्चा हुआ, उसमें जो है हमारे 38% जो है वो जनरल कैटेगरी के रहते, जिसमें हमारे शहर के नौजवान बच्चे क्वालिफाई हो सकते थे। देख लो आपने उनको कितने लोगों को उन्होंने भर्ती किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है असल और बे की बुनियाद है वहाँ पर पैसा कमाना, इसके अलावा आज बरसरे इक्तदार की कोई दूसरी नीयत मुझे नहीं दिखती। आप ज़्यादा नाराज़ लगते हैं बरसरे इक्तदार के। नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं जब से चुनकर आया हूँ मैं इनके काम करने के तरीक़ेकार को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। ये शहर के लिए नहायत ही ख़तरनाक है। ये इनकी कोशिश ये होती है कि ये गोबिल्स के जो है फॉर्मूले पे चलने वाले लोग मुझे दिखते हैं, कि झूठ को इतनी शिद्दत से बोलो कि सच लगने लगे, ऐसा ही ये काम करते हैं कि ये झूठी तामीर और तरक्की का इतना बड़ा नारा और ढिंडोरा एक यानी मंसूबा बंद तरीके से पीटते हैं कि शहर के लोगों को लगने लगता है कि असल तरक्की अगर किसी ने शहर में दिया है वो तो कांग्रेस पार्टी है, ऐसा लोगों का जहन बन जाता है, ऐसा लोगों की सोच बन जाती है। इतना शोर मचाते हैं, ये कहते हैं कहावत है ना कि जो डायन बच्चा खाती वही सबसे ज़्यादा बच्चे की मौत पर रोती, ये हाल इनका है। ये सीना को भी कोई भी काम की तो इतनी करते हैं कि ये सब कामों का सेहरा अपने सर पीटते हैं, लेकिन जब इसकी हकीकत की तरफ जाओ तो वाकई में अगर देखेंगे तो मकसद कुछ और रहता और काम कुछ और रहता। तो अभी ये सारे मुद्दों पर अगला कदम डॉक्टर खालिद परवेज साहब का क्या रहेगा? मैं से मेरी बात ये तय कर चुका हूँ कि इनके ज़रिए होने वाले जो भी करप्शन है और जो गलत पॉलिसी है और जो इनके ज़रिए शहर को नुकसान हो रहा है, वो तमाम बातें
मैं आवाम की अदालत के दरमियान लाऊं, बीच चौराहे पर लाकर लोगों को ये बात कहूं कि अब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला कीजिए, किन लोगों को आपको इक्तदार देना है और किन लोगों को नहीं देना है। हमें आज मैं ये महसूस करता हूं कि किन को देने से बेहतर किन को नहीं देना है, आज ये ज़रूरी बात हो गई है शहर के लिए। क्यों कि एक चीज़ तो देखने में ये आई है कि गलत पॉलिसियों की वजह से शहर जो है सिर्फ अंधेरे में और खड्डे में जा रहा है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर खालिद परवेज साहब, जिन्होंने बरसरे इक्तदार पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए जो काफ़ी संगीन भी हैं, लेकिन उन्होंने सबूत के साथ भी बात की, कई चीज़ों का हवाला दिया, कई चीज़ों के नाम लेकर बताया कि वहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी हो सकती थी जो अभी नहीं है। इन्होंने बात की कि कॉरपोरेशन बहुत सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल को दे सकती है, लेकिन इमारत पर इमारत खड़ी की जा रही है, उसमें फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जिससे शहरियान उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इनकी इन सारी बातों पर क्या रिएक्शन आता है और क्या मालेगांव शहर का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी आपसे विदा लेते हैं, अगले फिर किसी शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।